Good morning, everyone. Hello, sir. I am Manya. Manya, welcome. आप लोग इसका पेज नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 2 अबाउट 1/4 अबाउट 1/4 पेज नंबर 10 लेट मी सी. ओके गुड मॉर्निंग. आप आते रहिए, जुड़ते रहिए यहाँ पर. और जो भी आपके इसको इस जो लाइव का जो लिंक है वो आप ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए, ठीक है. और आप अपने फेसबुक पर भी इसको शेयर कर दीजिए ताकि जो भी बच्चे हैं जो भी अपनी क्वायरीज चाहते हैं वो यहाँ से पूछ सके, ठीक है. तो मान्या ने क्वेश्चन पूछा है अबाउट 1/4. मान्या मैं आपको बताऊंगा, सपोज कि एक रोटी है, ठीक है. अभी मेरे पास में यहाँ पर रोटी तो नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ. ये देखेंगे आप, एक ये आपको मैं पेपर पर दिखाता हूँ. ये एक बॉक्स है, ठीक है. तो ये पूरा हो गया होल, ये एक एक हो गया, ठीक है. अब हमने अगर इसको दो भागों में बांट दिया तो ये हो गया हाफ. हाफ को कैसे लिखेंगे, इस तरह से, ठीक है. ये हो गया हमारा हाफ. और अगर हम इसके चार पीसेस कर देंगे बराबर बराबर इक्वल, ये अगर हम रखते हैं तो ये हमारे क्या हो जाएगा, एक में से चार पीस किए गए हैं, एक पूरे उसमें से. देखो मैं एक यहां पर बनाता हूं, एक हमने ये यहां पर पूरा बॉक्स बनाया, ठीक है. एक ये पूरा है और इसके चार भाग हैं. तो ये एक पीस, इसका एक पीस अगर हमने ये शेड कर दिया तो ये क्या हो गया, इसका 1/4, ठीक है. एनी क्वायरी इसके अलावा और पूछिए. वेरी गुड, 11 लोग जुड़ चुके हैं. 11 के 11 लोग अभी यहां पर अपने नाम के साथ में कमेंट डालेंगे और पूछेंगे मुझसे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं फिफ्थ क्लास के लिए, फोर्थ के लिए, थर्ड के लिए. अभी पहले मैं फिफ्थ का यहां पर बता रहा हूं. चलिए मैं पेज नंबर 10 जो है आपका, पेज नंबर 10 पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, सम बिग बिग नंबर्स इन द क्लास फोर्थ मैथ मैजिक. आप लोग देखते रहिए उसमें कि क्या क्या मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पर लाइव में. अगर आपको कोई डिस्ट्रक्शन हो रही है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर ये चीज हमें समझ में नहीं आई, ठीक है. इन द क्लास फोर्थ मैथ मैजिक यू हर्ड ऑफ द नंबर लैक विच इज इक्वल टू 100,000. देखिए आपने अभी तक 1,00,000 1,00,000 के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है. तो उससे आगे की जो काउंटिंग्स है अब यहां पर आपको उस पर देखना है, ठीक है. तो विच इज इक्वल टू 100,000 यू हैड रेड दैट देयर आर अबाउट 1,00,000 ब्रिक्स किल्न इन आर कंट्री वेयर ब्रिक्स आर मेड. यानी कि जो ईंटें जहां पर बनती हैं वो 1,00,000 के करीब है हमारे देश में जहां पर ईंटें बनाई जाती हैं, ठीक है. तो व्हाट अदर थिंग्स हैव यू हर्ड ऑफ इन लैक्स, ऐसी क्या और चीजें हैं जो कि लैक्स में आपने सुनी हैं या फिर वो हो सकती हैं लैक्स में. तो क्या हो सकती हैं, जैसे कि एक बोरा है, एक चावल का बोरा है, उसमें लाखों चावल के दाने हो सकते हैं. हमारे देहरादून शहर में 1,00,000 की संख्या या 1,00,000 से ऊपर के लोग रह सकते हैं, ठीक है. तो और भी क्या चीजें हैं वो आप अपने दिमाग में सोचिए और उसको आप लिखिए, ठीक है. अब चलते हैं, राइट द नंबर 1,000. नाउ राइट 100,000. सो हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन द नंबर 1,00,000. इजी इजंट इट. देखिए यहां पर सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या आपको अभी जो मैं बता रहा हूँ मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं है, क्या आपको आपके क्वेश्चन का आंसर सही लगा, आपको समझ में आया. मैं आपको बताता हूँ पेज नंबर 10, आप सभी खोलिए पेज नंबर 10. पेज नंबर 10 पर हमारा चल रहा था 1,000 and 100,000. देखिए 1,000 आप कैसे लिखेंगे, आपको आता ही है. ये आपने लिखा 1,000, ठीक है. ये हमारा क्या लिखा हुआ है, 1,000. अभी हमें लिखना है उसके बाद में 100,000. तो यानी कि 100 × 1,000. तो हम इसकी मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, इट्स सो इजी. यहां पर कितने जीरोज हैं, सबसे पहले उनको काउंट कीजिए. 1, 2, 3, 4, 5. 5 जीरोज आर हेयर. तो 1, 2, 3, 4, 5. 5 जीरोज आपने लिखे, देन 1 × 1. 1 की 1 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये. अब इसको काउंट करिए, 1, 10, 100, 1,000, 10,000 and 1,00,000. तो ये कितना बन गया, 1,00,000. तो आपका ये, इसको हम 100,000 भी
कह सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट में आगे देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट है हमारा, देयर आर अबाउट 2 लाख बोट्स इन आर कंट्री, हाफ ऑफ देम आर विदाउट अ मोटर, व्हाट इज द नंबर ऑफ बोट्स विद अ मोटर राइट इट। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि आपका क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है। तो देयर आर अबाउट 2 लाख बोट्स इन आर कंट्री, हमारे जो कंट्री में टोटल बोट्स कितनी है, 2 लाख, कितनी 2 लाख। तो उसके बाद में क्या है, हाफ, हाफ ऑफ देम। देखिए हाफ का कंसेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। इसके लिए छोटी सी आप पोएम देखेंगे कि चुन्नू मुन्नू थे दो भाई, चुन्नू मुन्नू थे दो भाई, रसगुल्ले पर हुई लड़ाई, झगड़ा सुनकर मम्मी आई, दोनों को एक चपत लगाई। हा? और फिर उसके बाद में क्या कि दोनों को एक चपत लगाई, आधा तूले चुन्नू बेटा, आधा तूले मुन्नू बेटा। यहां पर मेरे पास में अभी क्या मैं एक सेकंड आप अगर मैं आपको दिखाता हूं, देखिए का कैसे कर सकते हैं। अभी ये क्या है, एक ये बनाना है, ठीक है। तो इसमें से अब मुझे हाफ हाफ करना है, तो मैं क्या करूंगा इसका हाफ, यहाँ ये दो पार्ट में इसको कर दूंगा। अभी इसको हाथ से तोड़ना नहीं है, ताकि क्योंकि अगर हाथ से तोड़ूंगा तो ये इधर उधर खराब हो सकता है, ठीक है। तो हाफ इसी तरह से, अब 2 lakhs, देर आर 2 lakhs बोट्स इन आर कंट्री, देर आर 2 lakhs बोट्स इन आर कंट्री, तो हमें क्या करना है उसका हाफ बताना है। अभी ये कह रहा है कि देर आर 2 lakhs बोट्स इन आर कंट्री, हाफ ऑफ देम आर विदाउट ए मोटर, उसमें से आधी जो है वो विदाउट मोटर है, ठीक है। कैसी है, विदाउट मोटर। तो उसमें अब पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ बोट्स विद ए मोटर, तो ऐसी कितनी मोटर वो बोट्स हैं जो विद द मोटर हैं। यानी कि आप देखो, आप मैं आपको यहां पर एक बार फिर से देखेंगे, मैं आपको पेज पर दिखा रहा हूं, देखिए हाउ मेनी बोट्स आर देयर, 2 lakhs, ओके ये 2 lakhs बोट्स हैं, ठीक है। अब इसमें से हाफ हाफ करेंगे इसका, यानी कि 2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 once 2, तो 1 पर ये गया, तो ये मींस 1 lakh बोट्स आर विद द मोटर और विदाउट मोटर, यानी कि 2 lakhs टोटल बोट्स हैं, उसमें से आधी विद द मोटर है और आधी विदाउट मोटर है। तो आधी कितनी हो जाएंगी, अब आपको क्लियर हो जाएगा कि 1 lakh आर विद द मोटर एंड 1 lakh आर विद द विदाउट मोटर, ओके ये क्लियर है। आप लोग कमेंट्स में यस नो या क्वेश्चन जो है आपका वो भी लिखते रहिए, ताकि मुझे पता चलता रहे कि हाँ आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात को, आप लोग पढ़ रहे हैं अच्छे से। 18 पीपल आर वॉचिंग लाइव, 21 कमेंट विद योर नेम, कमेंट विद योर नेम, ताकि मुझे पता चलता रहे, ठीक है। और अपने अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में डालते रहिए, ताकि मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको लोगों को बताता रहूं। अब हम बढ़ते हैं पेज नंबर 10, क्लास 5th मैथ्स की बुक का पेज नंबर 10। अबाउट 1/4 ऑफ द बोट्स विद अ मोटर आर बिग मशीन बोट्स, हाउ मेनी 1000 मशीन बोट्स आर देयर, कम ऑन ट्राई टू डू इट विदाउट राइटिंग डाउन। तो मान्य, देखो ये आपके लिए क्वेश्चन जो आपने पूछा था वो यहां पर अब आ गया, ठीक है। तो आप इसमें देखिए, विदाउट राइटिंग डाउन करना है, तो आप कैसे करेंगे, 2 lakhs बोट्स आर देयर, ठीक है, टोटल बोट्स कितनी है 2 lakhs, तो उसमें से हाफ हाफ हमने कर दिया कि हाफ कैसी है विद द मोटर, हाफ है कैसी विदाउट द मोटर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप विद द मोटर और विदाउट द मोटर, अब विदाउट मोटर्स को आप अलग साइड में कर दीजिए। अब हमारे पास में टोटल कितनी मशीन कितनी बोट्स बची, 1 lakh, 1 lakh बोट्स आर देयर विद द मोटर, उसमें से भी अब क्या कह रहा है वो, देखिए टोटल था 2 lakhs, 2 lakhs का 1/4 कितना हो जाएगा, 2 lakhs का 1/4, हाफ हमारा था कितना 1 lakh, अब 1 lakh का भी हाफ कर दीजिए। आप इसको ऐसे थोड़ा सा एक बार देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूं एक बार, यहां पर आप इस कंसेप्ट को देखेंगे हाफ एंड 1/4 का, ये टोटल टोटल कितना है, ये 2 lakh, हम इसको ऐसे यहां पर मेंशन कर लेते हैं 2 lakh, ठीक है 2 lakh ही हो गया। अब इसमें से हाफ जो है हाफ, ठीक है, हाफ क्या है विद द मोटर, ये विद मोटर
और ये विदाउट मोटर, मैं यहां पर विद और विदाउट लिख रहा हूं केवल, ठीक है। तो यहां पर विद विदाउट, अब ये कि टोटल विद मोटर्स कितनी हो गई 1 लाख, विदाउट मोटर कितनी है 1 लाख, टोटल कितनी है 2 लाख्स। अब ये कह रहा है कि 1/4 जो है वो विद बिग मोटर्स हैं, 1/4, यानी कि 1/4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसके और इक्वल पार्ट्स करने पड़ेंगे, इनको 4 बराबर भागों में बांटना पड़ेगा हमें। तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स आर देयर। अब देखिए यहां पर ये कितना था आपका, ये पार्ट कितना है, हाफ पार्ट 1 लाख का। अब इसमें भी अगर हम 2 पार्ट्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50,000 ईच, मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं 50,000 ईच। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। गुड़िया सिंह, लाख में कितने जीरो होते हैं, मैंने अभी इसका कंसेप्ट ये बताया था आपको, आपने देखा नहीं था, तो मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं कि एक बार आप लोग हेलो हाय, अगर कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है तो तभी के तभी कमेंट करके आप मुझे बताइए कि क्या चीज आपको क्लियर नहीं है, मैं यहां पर आपको तुरंत आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका जवाब दूंगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था लाख में कितने जीरो होते हैं, ये आप 1 लाख लिखिए, इसको पहले हम वंस टेंस के अकॉर्डिंग जब आप करके देखेंगे, वंस टेंस 100,000, 10,000 लाख, सो यू कैन काउंट इजिली हाउ मेनी जीरोज आर हेयर, 1, 2, 3, 4, 5, 5 जीरोज आर देयर इन 1 लाख, अंडरस्टैंड। गुड़िया सिंह, आपका अगर बच्चे का नाम इसमें टाइप कर दीजिए आप कि बच्चे का क्या नाम है, ठीक है, और उसके बाद में चलते हैं अब हम नेक्स्ट उस पर, ठीक है। तो बोट्स, ये विद मोटर और विदाउट मोटर्स का कंसेप्ट अगर आप लोगों को क्लियर है तो यस लिखिए, यहां पर इनवाइट करने का, चलिए, यानी कि आप लोगों को सब क्लियर है, आप लोगों का कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, मैं अभी इसको देखूंगा कि कमेंट्स भी आप लोग करें, ठीक है। अब आप पेज नंबर 11 देखिए, पेज नंबर 11, क्लास 5th, पेज नंबर 11, क्लास 5th, पेज नंबर 11, द फिश मार्केट, हैव यू एनी प्रॉब्लम, तो चलिए, कुछ लोग ऐसे भी आते हैं यहां पर जिनको पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब इसमें है द फिश मार्केट, इसके अंदर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसका मैं आपको एक बार कंसेप्ट ये बता देता हूं कि इसके अंदर में क्या क्या है, ठीक है। क्लास 5th, पेज नंबर 11, द फिश मार्केट, ये आप देखेंगे, हैव यू बीन टू अ फिश मार्केट, इफ यू हैव देन यू माइट नो व्हाई अ वेरी नॉइसी प्लेस इज समटाइम्स कॉल्ड अ फिश मार्केट। तो कई बार क्या होता है कि कई बार जब भी आप कहीं मार्केट में जाते हैं तो बहुत ज्यादा शोरगुल रहता है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि क्या ये मछली बाजार बना रखा है, यानी कि मछली बाजार बनाने का मतलब ये कि बहुत शोरगुल वाली जगह के लिए भी हम फिश मार्केट का यूज कर लेते हैं। दिस फिश मार्केट इज बाय बिजी टूडे, मैनी बोट्स हैव ब्रॉट अ गुड कैच, द फिशर वुमेन आर शाउटिंग आउट देयर प्राइसेस टू द बायर्स, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि जो आज जो फिश मार्केट है वो बहुत ज्यादा बिजी है, ठीक है, क्यों, क्योंकि बहुत सारे फिशरमैन जो हैं वो बोट लेकर आए हैं अपनी और बहुत सारी उसमें मछलियां लेकर के आए हैं, ठीक है। तो अब वहां पर जो फिशर वुमेन है, फिशर वुमेन यानी कि जो मछलियां बेचने वाली औरतें हैं वहां पर, वो बहुत तेज तेज की वहां पर चिल्ला रही हैं, मिनी एक फिशर वुमेन है, वो क्या चिल्ला रही है, कम हेयर टेक सार्डियंस एट ₹40 a kg, यानी कि जो सार्डियंस का रेट है, सार्डियन मछली जो है वो सार्डाइंस का, वो क्या है ₹40 per kg, कितना है ₹40 per kg, ठीक है। आप इसको देखते रहेंगे, समझते रहेंगे। ग्रेसी जो है एक अनदर जो फिशर वुमन है वो कह रही है नेवर सो चीप, गेट सोल्ड फिश ₹40 a kg, यानी कि स्वॉर्ड फिश का रेट क्या है ₹60 per kg, कितना है ₹60 per kg। उसके बाद में फ्लोरम्बा सेल्स प्रॉन्स ₹150 a kg, फ्लोरम्बा यानी कि जो अनदर वो है फिशर वुमन है वो क्या बेच रही है, वो प्रॉन्स बेच रही है, प्रॉन्स का रेट क्या है, वो है ₹150 per kg, कितना है ₹150 per kg, ठीक है। उसके बाद में
करुथम्मा सेल्स स्क्विड 4 rupees 50 kg। स्क्विड का क्या रेट है? स्क्विड का रेट आप बोलती देखिए उसमें है 50 rupees per kg। हाँ, तो अब इसमें लुक फाजिला कैन हार्डली कैरी दिस बिग किंग फिश, शी सेज दिस फिश वेज 8 kg एंड आई विल सेल द होल 4 rupees 1200। ठीक है, अब जो फाजिला है उसके पास में बहुत बड़ी किंग फिश है। किंग फिश कितनी है? ठीक है, किंग फिश है वो, और वो पूरी कितने की है? 8 kg। 8 kg का उसका वेट है और उसका टोटल प्राइस कितना है? 1200। कितना है? 1200 उसका पूरा कॉस्ट प्राइस है कि जो उसने वो बेचना चाह रही है कि हाँ मैं पूरी की पूरी एक साथ बेचूंगी, और 1200 यानी कि 1200 रुपए, 1200 रुपए में वो उसको बेचना चाहती है। ठीक है, तो अब हमें कुछ क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, वो क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन क्या है? एट व्हाट प्राइस पर केजी डिड फाजिला सेल द किंग फिश? जो फाजिला है वो किंग फिश को कितने रुपीज में बेचना चाहती है? पर केजी का रेट क्या है उसका? तो पर केजी का रेट कैसे हम निकालेंगे? सबसे पहले आप देखेंगे कि टोटल वेट कितना है किंग फिश का। टोटल वेट अब मैं आपको यहाँ पर पेपर की तरफ लेकर चल रहा हूं और वहां पर आप देखेंगे उसको। ठीक है, उसका 8 kg। ठीक है, और कुल कितने रुपीज में वो बेचना चाहती है उसको? पार्वती राणा बेटा, ये फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर पर पेज नंबर 11 है। ठीक है, क्लास 5th के लिए आप अपनी क्लास भी साथ में लिखते रहें। ठीक है, क्लास 5th का ये फर्स्ट चैप्टर है, द फिश टेल, उसका पेज नंबर 11 आप लोग देखेंगे। टोटल वेट इस फिश का कितना है? 8 kg। ठीक है, और इसकी कॉस्ट कितनी है 8 kg की? रुपीज 1200। कितना है? 1200 रुपीज। तो Find out the weight of cost for one kg। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? 8 kg की कॉस्ट 1200 और 1 kg की, 8 kg की कॉस्ट है 1200, तो 1 kg की कैसे निकालेंगे आप? आप सिंपली जब भी आपको देखिए, कभी भी आपको जब एक बड़ा अमाउंट दिया जाता है और आपको छोटी अमाउंट निकालनी है बड़े से छोटे की तरफ, तो हम उसको डिक्रीज करते हुए चलते हैं, माइनस करते हुए चलते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हुए चलते हैं। ठीक है, और अगर हमें छोटे से छोटे ही कॉस्ट देकर बड़े ही कॉस्ट पूछी जाती है तब हम उसको ऐड करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर अगर हम इसको कंटिन्यूअस वे में अगर हम सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे तो वो क्या हो जाता है हमारा? डिवीजन। ठीक है, तो हम देखेंगे यहां पर इसको डिवाइड करेंगे, कितना है? 1200। 1200 कॉस्ट है 8 kg की, तो हमें 1 kg का निकालना है, तो इसको आप सिंपली डिवाइड करेंगे 1200 को। मैं भी यहां पर इसलिए करके दिखा रहा हूं, वैसे मुझे यहां पर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए एक करके दिखा रहा हूं मैं, 8 1 8, ताकि आपको इसका भी कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो आपने 2 digits यहां पर ली थी, तो 8 1 8, 12 - 8 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4। यहां से आप 0 नीचे लेंगे, 8 5 40, तो ये आपका ये हो गया। लेकिन अभी भी यहां पर 10 इज लेफ्ट, तो आप इस 10 को जो कि यहाँ आपके 8 से डिविजिबल नहीं है, तो हम इसको यहां पर कर देंगे। तो कितना कॉस्ट आया 1 kg का? 1 kg कॉस्ट कितनी है? ₹150। कितना है? ₹150। तो ये हमारा हुआ। ठीक है, इसी तरह से अब आपको जो इसके बाकी क्वेश्चंस हैं मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, मैं आपको इनका सबको इलाबोरेट कर रहा हूं, सबके बारे में बता रहा हूं कि किस क्वेश्चन में आपको क्या क्या करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करके यहां पर दिखाया है कि एट व्हाट प्राइस पर केजी डिड फाजिला सेल द किंग फिश, ये मैंने आपको करके दिखा दिया है, तो आप इसको करेंगे। उसके बाद फ्लोरम्मा हैज सोल्ड 10 kg प्रॉन्स टूडे, हाउ मच मनी डिड शी गेट फॉर दैट? अब फ्लोरम्मा ने आज कितना 10 kg प्रॉन्स बेचा है? कितना बेचा है? 10 kg प्रॉन्स, तो उसके लिए उसको कितनी मनी मिलेगी? प्रॉन्स का 1 kg का रेट कितना है? प्रॉन्स का बताइए 1 kg 150 per kg। तो आप इसको क्या करेंगे, और उसने कितने केजी आज बेचा है? 10 kg, तो आप क्या करेंगे? 150 1 kg की कॉस्ट है और उसने 10 kg बेचा है, तो आप इसको 150 multiplied by
10, तो इसका सॉल्यूशन आप खुद से निकालेंगे और इसको खुद से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आप देखेंगे, ग्रेसी सोल्ड 6 kg स्वॉर्ड फिश, मिनी हैज अर्नड एज मच मनी एज ग्रेसी, हाउ मेनी केजी ऑफ सार्डिन्स डिड मिनी सेल। अब देखिए यहां पर दो क्वेश्चंस इन्होंने एक साथ पूछे हैं, दोनों क्वेश्चंस को आपको समझना है कि कैसे कैसे ये किया गया है। आपको वॉइस क्लियर है बीबी? ठीक है, तो आप मुझे बताते रहेंगे, अगर कुछ भी यहाँ पर आपको कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में डालकर कि सर ये चीज हमें क्लियर नहीं है, ठीक है। तो एट व्हाट प्राइस पर थर्ड क्वेश्चन है, ग्रेसी सोल्ड 6 kg स्वॉर्ड फिश, ठीक है, स्वॉर्ड फिश कितनी बेची है, 6 kg। स्वॉर्ड फिश का रेट क्या है, देखिए स्वॉर्ड फिश का रेट है यहां पर 60 rupees per kg, कितना है 60 rupees per kg। तो अगर उसने 6 kg, ग्रेसी ने 6 kg स्वॉर्ड फिश बेची है तो उसको कितने रुपीज मिल जाएंगे, 60 × 6 इट इज 360 rupees, ठीक है, कितना मिल जाएगा 360 rupees। और उसके बाद में मिनी हैज अर्नड, सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, मिनी हैज अर्नड एज मच मनी एज ग्रेसी। अब मिनी ने भी आज उतने ही पैसे कमाए हैं जितने की ग्रेसी ने कमाए हैं, कितने रुपीज कमाए ग्रेसी ने, 360 rupees, कितने कमाए हैं 360 rupees। तो अब आप देखेंगे कि मिनी और ग्रेसी का हम कैसे कंपैरिजन करेंगे, तो मिनी कैसे कमा सकती है, मिनी ने बेचे, मिनी बेच रही है क्या, सार्डियंस बेच रही है 40 rupees per kg, क्या बेच रही है सार्डियंस 40 rupees per kg, और उसने भी कितने रुपीज कमाए हैं 360 rupees। तो अब इसमें क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि उसने कितने किलो जो है सार्डियंस बेची है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आई है 360 rupees, और 1 kg की कॉस्ट क्या है 40 rupees, और आपको निकालना है कि कितने किलो वहां पर बेचा है। तो आप 360 को उसकी कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 360 / 40, तो आपको आपका जो आंसर है वो मिल जाएगा। ये आप अपने आप से करेंगे, इसको सॉल्व अपने आप से करेंगे आप। उसके बाद में आप आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन पर, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा वेट कीजिए, जरा 2 मिनट आप लोग वेट कीजिए, मैं अभी आपके पास में बैक आ रहा हूं, इतने आप लोग जुड़ते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए। तो अब चलते हैं आगे, ठीक है, अभी हमारा पेज नंबर 12 पर हम आ जाएंगे, ठीक है, पेज नंबर 12 पर फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, बशीर हैज रुपीज 100, ही स्पेंड्स 1/4 ऑफ द मनी ऑन स्क्विड एंड अनदर 3/4 ऑन प्रॉन्स, हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ स्क्विड डिड ही बाय, हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ प्रॉन्स डिड ही बाय। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन उन्होंने थोड़ा सा घुमा दिया है, ठीक है, तो कोई ज्यादा वैसे घुमाया नहीं है, इस बहुत आसान है, अगर आप समझेंगे इसको तो बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो बशीर हैज रुपीज 100, बशीर के पास में कितने रुपीज हैं 100 rupees, ठीक है। पेज नंबर कौन सा है सर, आई एम आदित्य राणा, पेज नंबर बेटा अभी 12 पर हूं मैं, और आपका जो फर्स्ट पेज नंबर 12 पर फोर्थ क्वेश्चन है, बशीर हैड रुपीज 100, आप खोल लीजिए उसको, बहुत अच्छा, आप इसी तरीके से क्वेश्चन पूछते रहिए, वेरी गुड, ठीक है। बशीर हैज रुपीज 100, बशीर के पास में कितने रुपीज हैं 100 rupees, ही स्पेंड्स 1/4 ऑफ द मनी ऑन स्क्विड। अब देखिए यहां पर 1/4 का भी कंसेप्ट आपका आ गया है, और थर्ड 3/4 का भी कंसेप्ट आपका है, ठीक है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले 1/4 का कंसेप्ट समझाया था, तो मैं एक बार आपको फिर से यहां पर समझा देता हूं, आप लोग देखिएगा, बहुत आसान है उसको करना, उसको समझना, ठीक है। देखिए यहां पर अभी मैंने आपको बताया था, सपोज कि ये पूरा एक बॉक्स, देखिए यहां पर देखिए आप, ये 100 rupees, कितना है ये टोटल जो है ये पूरा होल 100 का है, ठीक है। अब इसमें से हाफ हम करेंगे, सबसे पहले हाफ 1/4 निकालने के लिए पहले हम हाफ करेंगे, इसका सिंपल एक कंसेप्ट दूसरा भी है, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। पहले हमने इसको हाफ किया, तो ईच पार्ट कितने का हो गया, ये कितने का हुआ 50, और ये भी कितने का हुआ 50, ठीक है, तो हम यहाँ पर 50 लिखेंगे, 50 50, ठीक है। अभी तो दो ही पार्ट हुए, कितने पार्ट्स हुए अभी, 2 parts are there, लेकिन हमें कितने चाहिए, 4 parts चाहिए, तो हम इसको एक हाफ और कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने हाफ किया, तो यहाँ पर अभी हमारे पास में 4 parts हो गए। अभी ये जो 50 है, 50 को भी हमने 2 parts में करना है, तो कितना हो जाएगा एक पार्ट, ये भी 25 का, ये भी 25, दिस वन इज ऑल्सो ऑफ 25, ये भी 25, ठीक है। तो अब यहाँ पर 1/4, एक पार्ट कितने रुपीज का हुआ है, 25 rupees का, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि 1/4 जो है वो कितना है 25 rupees, और 3/4 यानी कि
देखिए 4 में से 1 पार्ट कितने का है, 25 रुपीज का। 4 में से 3 पार्ट्स कितने होंगे, अब ये देखिए 25 25 25, तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, रुपीज 75। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, इसमें क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ स्क्विड, सबसे पहले 1/4 ऑफ द मनी ऑन स्क्विड एंड अनदर 3/4 ऑन प्रॉन्स। ठीक है, तो 1/4 कितना है, रुपीज 25, तो स्क्विड पर खरीदने के लिए कितने रुपीज उसने खर्च करे, 25 रुपीज। स्क्विड खरीदने के लिए कितने रुपीज स्पेंड करे हैं, 25 रुपीज। और उसके बाद में प्रॉन्स खरीदने के लिए कितने रुपीज करे खर्च स्पेंड करे उसने, 75 रुपीज। ठीक है, तो उसके बाद में अब आपके जो दो क्वेश्चंस हैं वो आपको अपने आप करने हैं कि हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ स्क्विड डिड ही बाय एंड हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ प्रॉन्स डिड ही बाय। ठीक है, तो ये आप आज देखेंगे कि इसको आप किस तरह से कर पाएंगे। जो भी आपको प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे कि सर हमें ये प्रॉब्लम आई है। ठीक है, और अगर आपको अभी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप क्वेश्चन पूछिए, इट्स योर क्वेश्चन टाइम। क्लास 5 के लिए अगर आपके पास में कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, मुझे लग रहा है कि कोई भी क्वेश्चन अभी नहीं है। चलिए, तो अभी मैं इसको मैं अभी बंद करता हूं और कल से हम और भी ज्यादा लोग यहां पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। कोशिश यही करेंगे कि हम सभी लोग, आज की मैक्सिमम हमारे 25 तक बच्चे जुड़े हैं यहाँ पर, तो बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और इसको आप चैनल को लाइक कर लीजिए, फेसबुक पर इस पेज को लाइक कर लीजिए, और यूट्यूब पर आप लोग, मैं अभी आप लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, आप लोग यूट्यूब पर अनूप चौधरी के नाम से, ANOOP, अनूप CHOUDHARY, अनूप चौधरी के नाम से मेरा चैनल है, जहां पर कि आपको जो वीडियोस हैं अदर सब्जेक्ट्स की भी, वो भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। कल मैंने हिंदी की पाठ राख की रस्सी के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने डाले हैं, आप उस वीडियो को देखिए और उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। आई एम आदित्य राणा, सर मुझे क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। मैं आपको अभी पार्वती आदित्य, मैं आपको अभी एक पीडीएफ फाइल भेजूंगा, आप उसमें देखिएगा। ठीक है, वो पीडीएफ जब आप बुक आप देखेंगे तो उसके बाद में आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, मैं लिंक आप लोगों के साथ में शेयर कर लूंगा। तो आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी आपके साथ में बच्चे पढ़ने वाले हैं, चाहे वो क्लास 3rd, 4th, 5th, 2nd किसी भी क्लास के हो, कोई भी वीडियोस, कोई भी कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है, यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, फिर मिलेंगे आपसे, थैंक यू।